वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक चाइनीज साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है द रिवेंज ऑफ प्लांट, जो 2018 में रिलीज हुई। वैसे यह सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि इंसान के शरीर के अंदर पेड़ उगाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है इस कहानी में, पर इसका जिम्मेदार कौन, कौन कर रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, क्या यह वाकई सच है, यह हमें कहानी जानने के बाद पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है किंगशान यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर हुयुचिन और उनका असिस्टेंट शेंग वेन स्टूडेंट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे। सारे स्टूडेंट्स मोबाइल कैमरा इस्तेमाल करके नोट्स ले रहे थे, पर लुओ के नाम की लड़की नोट्स की बजाय शेंग वेन की तस्वीरें ले रही थी, क्योंकि उसे वो काफी पसंद था। फर्स्ट ईयर से ही उसे क्रश था, पर वो कभी बता नहीं पाए। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली उसे फ्रेशमैन यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तस्वीर दिखाती है, जिसकी मौत हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी हरी हो गई थी। उसके बाद लुओ के शेंग वेन को एक छोटा पौधा देखकर अपना प्यार कन्फेस करती है, पर शेंग वेन उसे रिजेक्ट करता है क्योंकि वो स्टूडेंट थी। लुओ के लिली से कहती है कि आज तक किसी ने भी मुझे रिजेक्ट नहीं किया। फिर वो दोनों रेडियो सॉन्ग्स पर डांस करने लगती है और शेंग वेन लुओ के को देखकर खुश होता है। उसके बाद लुओ के का क्लासमेट, जो उसे पसंद करता था, वो बुके लेकर आता है, पर वो उसे रिजेक्ट करती है। लिली अकेले ही डॉर्म यानी बोर्डिंग हाउस वापस आती है और देखती है कि उसके चेहरे पर एक हरा पिंपल है, जो एक पौधे की तरह दिख रहा है। वो जल्द से मेकअप लगाकर पिंपल छुपाती है। प्रोफेसर हुयुचिन शेंग वेन को अपने ऑफिस बुलाकर एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद शेंग वेन बेहोश होता है और तभी प्रोफेसर उसे इंजेक्शन लगवाते हैं और चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर पेड़ उगाने के लिए शेंग वेन की बॉडी सूटेबल है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली शेंग वेन सूटेबल नहीं था। फिर प्रोफेसर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकलते हैं। बोर्डिंग हाउस में लुओ के लिली से बात करने की कोशिश करती है, पर लिली अपना मुंह छुपाते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा आराम करने दो। उसका वियर्ड बर्ताव देखकर लुओ के पेंटिंग करने का सोचती है, क्योंकि उसकी खिड़की के सामने वाली बालकनी में शेंग वेन खड़ा था। उसी वक्त बोर्डिंग हाउस की दूसरी लड़की शावर ले रही थी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि शावर से हरे रंग का पानी आ रहा है और वो घबराती है। लुओ के बनाई हुई पेंटिंग शेंग वेन को देने जाती है। काफी देर से डॉ बेल बजाने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी शु मैनलुओ नाम की लड़की उसे चाबी देती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। दूसरी ओर शेंग वेन को होश आता है और उसे समझ नहीं आता कि वो बेहोश क्यों हुआ था। ज्यादा न सोचते हुए वो घर जाता है। शु मैनलुओ लुओ के से कहती है कि मैं शेंग वेन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। लुओ के यह सुनकर जैलस होती है। शु जाने के बाद लुओ के शेंग वेन का कंप्यूटर देखती है, जिसका पासवर्ड उसकी बर्थडे डेट थी। वो काफी खुश होती है। फिर अंदर आने के बाद शेंग वेन लुओ के को देखकर हैरान होता है। लुओ उसे पूछती है कि क्यों तुमने मेरी बर्थडे डेट पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल की। शेंग वेन प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता नहीं। उसके कंप्यूटर पर लुओ के और लिली की फोटो भी थी। शेंग वेन उसे लेकर बालकनी में जाता है और उसने दिया हुआ पौधा दिखाता है और कहता है कि हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसे फॉरेन कंपनी का ऑफर मिला, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया। लुओ के जालस होती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर शेंग वेन उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर हमारे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की वजह से मैंने कन्फेस नहीं किया। यह सुनकर लुओ के काफी खुश होती है और कहती है कि मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हम डेट करेंगे। शेंग वेन अग्री करते हुए प्रोफेसर ने दिया हुआ पौधा उसे देता है। लुओ के पौधा लेकर बोर्डिंग हाउस जाती है, उसे पानी डालती है, पर पौधे के पत्तों की वजह से उसका हाथ कट जाता है। वो बैंडेड लगाती है। लिली को आवाज देने के बावजूद भी वो रिप्लाई नहीं देती, तो उसे लगता है कि लिली सो गई होगी और वो भी सो जाती है। पर अंधेरे में उस पौधे के रूट्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे ब्रांचेस लुओ के बेड तक पहुंचते हैं और वो हड़बड़ा कर नींद से जागती है, क्योंकि वो उसका सपना था। फिर वो देखती है कि लिली के बेड से हरी बूंदे टपक रही है। वो जैसे ही लिली को देखती है रोने लगती है, क्योंकि लिली मर चुकी थी। उसकी पीठ पर पौधा उगाने लगा था। दूसरे दिन यह खबर चारों तरफ फैलती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। शेंग वेन को पता चलने के बाद वो लुओ के को देखने आता है। पुलिस शेंग वेन को लिली के बॉडी में पाए गए पौधे के बारे में एडवाइस पूछती है, पर शेंग वेन को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। बाद में वहां शु मैनलुओ पहुंचती है। फिर शेंग वेन लुओ के को लेकर कैंटीन जाता है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद पता चलता है कि कुछ दिन यूनिवर्सिटी बंद रखी जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की बॉडी में वायरस पाया गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर के टीचर्स और स्टूडेंट्स को बिना परमिशन के बाहर जाना मना था। शेंग वेन और लुओ के कैंटीन में बैठे थे, तभी उन्हें न्यूज पता चलती है कि प्रोफेसर हुयुचिन गायब है और वही इस वायरस के लिए जिम्मेदार है।
उसके बाद लुओ के बताती है कि लिली का कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वो एच बुलाती थी। वो उसे ट्यूशन में मदद करता था, शायद वही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होगा। फिर वो वॉशरूम जाकर बैंडेड निकालती है और देखती है कि उसके हाथ पर एक छोटा पौधा उगा रहा है। जेंग वेन और लुओ के बैठे थे तभी किट और फेस मास्क पहना हुआ आदमी आकर उन्हें कहता है कि आप जिम्नेजियम जाकर टेस्ट करवाइए। बाकी सभी लोगों को जिम्नेजियम जाकर टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर मास्क पहने हुए पुलिस को इकट्ठा देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तभी जेंग वेन और लुओ के सामने शू मैन लुओ आकर कहती है कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। दरअसल वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसे उसके बारे में जानकारी थी और वो उसी प्रोफेसर के साथ मिलकर सिंथेटिक जीन रिऑर्गेनाइजेशन रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो बताती है कि शायद प्रोफेसर प्रोजेक्ट छोड़कर वायरस पर काम कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे एनिमल जेनेटिक्स और प्लांट जेनेटिक्स पर काम करना शुरू किया था, और जैसे ही शू मैनलुओ ने सच ढूंढ निकाला, प्रोफेसर ने उसे डिसमिस कर दिया, पर वायरस पर काम करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और लिली की मौत हो गई। दोनों बातें कर रहे थे तभी दूसरी तरफ लुओ के ने देखा कि उसके नर्व्स हरे हो रहे हैं। वो घबराती है और छुप जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसे इन्फेक्शन हुआ है। जेंग वेन को उसकी याद आने के बाद वो उसे ढूंढता है। दूसरी तरफ एक लड़की को इन्फेक्शन होता है और डॉक्टर उसे ले जाते हैं, पर ट्रीटमेंट के दौरान वो मर जाती है। जेंग वेन एक कमरे में लुओ के को देखता है। लुओ के उसे कहती है कि मेरे पास मत आओ और अपना हाथ दिखाती है। दोनों लिली के चैट्स पढ़ते हैं। वो किसी एच नाम के आदमी से बातें करती थी। वो उसे लाइट हाउस लेकर गया था और उसने लिली को एक प्लांट भी दिया था। दोनों को लगता है कि शायद यह प्रोफेसर हो सकता है। फिर किट पहना हुआ आदमी वहां पर सारे कमरों को डिसइंफेक्ट करने आता है, बार बार आवाज देकर कंफर्म करता है कि कोई कमरे में है तो नहीं। पर जेंग वेन और लुओ के कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें डर था कि लुओ के इन्फेक्टेड है और उसे पता नहीं कैसी ट्रीटमेंट दी जाएगी। पर अचानक से लुओ के हाथ से पानी का ग्लास गिरता है और वो लोग दोनों को लेकर टेस्ट करवाने जाते हैं। तब पता चलता है कि लुओ के इन्फेक्टेड है, इसीलिए उसे दवाई देकर बेहोश किया जाता है। दूसरी ओर सारे एक्सपर्ट ऑफिसर्स बैठकर शू मैनलुओ से सवाल करते हैं। वो बताती है कि यह वायरस इंसान की नर्वस सिस्टम और ब्रेन को खराब करता है। अगर डायरेक्टली इस पौधे को कोई हाथ लगाए तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। लुओ के की बॉडी पेड़ उगाने के लिए सूटेबल है। उसकी बात सुनने के बावजूद ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी को शुरू करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जेंग वेन शू मैनलुओ से मिलकर लिली की चैट की मदद से प्रोफेसर तक पहुंचने का फैसला करते हैं, शायद उसकी लैब हो सकती है। जब दोनों पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ पेड़ उगाए थे और प्रोफेसर एक चेयर पर बैठा था। दोनों प्रोफेसर को हाथ लगाते हैं तब उसकी पीठ से एक जाइगेंटिक वीनस फ्लाई यानी बड़ी मक्खी निकलती है जो उन दोनों को मारने वाली थी, पर शू मैनलुओ उसे और प्रोफेसर को आग लगाती है। दोनों प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करते हैं जहां पर उसने बताया था कि जिस इंसान के 100% जेनेटिक्स मैच होंगे उसके शरीर से पेड़ उगाना शुरू होगा और वो सारे शहर में फैलेगा। मतलब कि जेनेटिक्स मैच ना होने के कारण जेंग वेन को इन्फेक्शन नहीं हुआ। शू मैनलुओ सारी जानकारी पेन ड्राइव में कॉपी करती है, पर जेंग वेन उसे रोकता है क्योंकि यह काफी जानलेवा था। पर शू मैनलुओ उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारती है और कॉपी करती है। तभी जाइगेंटिक फ्लाई की ब्रांच की वजह से शू की मौत होती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में 100% मैचिंग की वजह से लुओ के शरीर से पेड़ उगाना शुरू होता है और वो रुकता नहीं। जो ऑफिसर्स उसे रोकने आते थे वो मारे जाते थे। ऐसे करके सारे शहर में यह पेड़ फैल गया। जेंग वेन आकर देखता है पर लुओ के वहां पर नहीं होती। 7 महीने बाद वो फिर से यूनिवर्सिटी आकर देखता है और उसे दिखती है लुओ के ने बनाई हुई उसकी पेंटिंग। वो पीछे देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसे लगता है लुओ के उसके पीछे हैं। ऐसा होता है कहानी का दी एंड। क्या किसी भी टेक्निक का गैर इस्तेमाल करना सही है? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।